हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। और आज हम आपको सिखाएंगे हैंडस्टैंड पुशअप। तो उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हैंडस्टैंड पुशअप किस तरीके से होता है। तो हैंडस्टैंड पुशअप सीखने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका हैंडस्टैंड। अगर आप हैंडस्टैंड जानते हैं या आप हाथ पे चलना जानते हैं तो आप आसानी से हैंडस्टैंड पुशअप सीख जाएंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे जाके आप देख सकते हैं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप आई बटन देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, देखिए इस तरीके से आपको ऊपर जाना है, ठीक है, और होल्ड हो, फिर आप धीरे धीरे नीचे आए इस तरीके से, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिए, फिर आपको अप होना इस तरीके से। फिर धीरे धीरे नीचे, आपको कितना करना है, 10 बार करें, 15 बार। और आप सोचिए कि ऊपर से नीचे आने में कम से कम आप 5 से 6 सेकंड टाइम लगाएं, ठीक है। तब आपको क्या होगा, आपकी रिस्ट में पावर आएगा, आपके शोल्डर में पावर आएगा, जिससे आप अच्छी तरीके से आप होल्ड कर पाएंगे, अपनी बॉडी वेट को आप संभाल पाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप है हम लोग पैक पुशअप करेंगे। ये कॉमन पुशअप है लेकिन बहुत लोग इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं इससे कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप इसे रेगुलर 100 बार 200 बार करते हैं तो आपके शोल्डर, आपके रिस्ट में पावर इंक्रीज होगा, जिससे आप जल्दी हैंडस्टैंड पुशअप सीख पाएंगे, ठीक है। कैसे करना आपको देखिए, सबसे पहले क्या करें, अपने हिप को अप कर ले इस तरीके से, ठीक है, और गर्दन क्या करेंगे अंदर की ओर, और आपको इस तरीके से करना है धीरे धीरे, ये इस तरीके से करना आपको। आप बाल को टच करें जमीन में, ठीक है, इस तरीके से आप कम से कम कितना करें, 20 से 25 रेप्स करें। अब जब रोज करेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, आपके शोल्डर में पावर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, इसी में हम लोग क्या करेंगे, पैक पुशअप करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हम लोग ऊंची ऑब्जेक्ट के हेल्प के साथ करेंगे। कैसे करना आपको देखिए, इसमें क्या करेंगे, आपको अप करना है इस तरीके से, ठीक है, और इसमें आपको इस तरीके से नहीं, आपको पूरा अप करना है इससे। अब आपको इस तरीके से करना है, ये 1 2 3 इस तरीके से आपको करना है धीरे धीरे। कितना करेंगे, कम से कम इसमें भी आप कम से कम 20 करें, 25 करें, इसे डेली कितना करेंगे, 40 बार करेंगे, 50 बार करेंगे, तब जाके क्या होगा, आपका होल्ड करने की कैपेसिटी आएगी, अपना बॉडी वेट को आप क्या करेंगे, होल्ड कर पाएंगे। करेंगे सिंपल सा हम लोग हैंडस्टैंड पुशअप करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग दीवार के सहारे पुशअप्स करें, ठीक है। अभी मेरे पास दीवार नहीं तो हम इसके सहारे से करें, अगर आपके पास दीवार है तो आप उसके भी हेल्प से कर सकते हैं। इस फॉर्म में करना आपको, और आप पुशअप करें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। आपको इस तरीके से करना है, इसे कब तक करना है, जब तक आपको लगे इसमें मेरा पावर नहीं आ गया, मेरा आपका पावर जनरेट नहीं हो, तब तक आप इसे करते रहें, और आपको होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। क्योंकि आप क्या होता है, हैंडस्टैंड पुशअप हम लोग हवा में होल्ड करके करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फिफ्थ एक्सरसाइज, और आपके लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक पार्टनर की हेल्प लगेगी, ठीक है। और अपने पार्टनर के साथ किस तरीके से आपको करना है देखिए, पकड़ो, हाँ, अब क्या करेंगे, इसमें हम हैंडस्टैंड पुशअप करेंगे इस तरीके से धीरे धीरे, ठीक है। जितना आप स्लो करेंगे उतना ही आपका पावर जनरेट होगा, ठीक है। स्पीड में करेंगे तो उतना आपका प्रेशर नहीं लगेगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप करें, जब आपको क्लियर लगे कि थोड़ा सा आपको लगे कि हमको पावर जनरेट मिल गया, जैसे कि आप अपना बॉडी को संभाल पाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, अपने पार्टनर के साथ सिर्फ अपने पार्टनर को क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से वो आपको होल्ड करें, ठीक है, किस तरीके से देखिए। और अपने पार्टनर क्या बोले कि इधर रखने के लिए, ठीक है, इधर रहने के बोले, इस तरीके से पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। और क्या कीजिए, आप पहले हैंडस्टैंड खुद से होइए, ठीक है, इस तरीके से, इस यहाँ नहीं, ऊपर टो के पास, हाँ, अब आप खुद से इसको क्या कीजिए, पुशअप कीजिए इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, जो आपको अच्छी तरीके से होने लगे तो क्या बोले कि अपने पार्टनर को बोलिए अचानक से छोड़ देने के लिए, उसको बोलिए कि हम बोलेंगे 1 2 3 और उसको छोड़ देने के लिए, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना, तब आपको अच्छे से हैंडस्टैंड पुशअप होने लगेगा।
ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप इन सारे स्टेप को फॉलो करते हो, आप आसानी से हैंड स्टैंड पुशअप सीख जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आपकी भाई की वीडियो जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आपको अपनी पसंद की वीडियो बनानी है या हमसे बात करनी है तो आइए इंस्टाग्राम पे रवि राज रंजन 018 हमारा यूजर नेम है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो नए यूजर है, जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RRR Fitness को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई का यूट्यूब चैनल है, जो आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक दोस्तों, टेक केयर, लव यू, बाय।